दोस्तों ये है मिल्की वे एंड्रोमेडा कोलाइजन का पार्ट 4। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे 4 बिलियन ईयर्स के बाद पूरे तरीके से कोलाइड करने वाली है, लेकिन इसके मिलाप से असल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने केवल कुछ अनुमान और प्रेडिक्शन पर ही बात की है, लेकिन आज हम आपको बिल्कुल जटिल फैक्ट बताएंगे कि एक्चुअली इस महा टकराव से क्या होगा। आखिर हमसे 45 से 60 मिलियंस लाइट ईयर दूर एक विशाल गैलेक्सी मौजूद है जिसका नाम है एंटेने। अब आप ये मत कहना कि ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सीज है, इसमें नया क्या है। वेल, भले ही हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सीज मौजूद है, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी गैलेक्सीज है जो अभी तक कोलाइड कर चुकी है या कोलाइड कर रही है। हालांकि ये कुछ की संख्या भी बहुत ही ज्यादा है। तो एंटेने गैलेक्सी हमसे 45 से 60 मिलियन लाइट ईयर दूर है, जिसका शेप कुछ इस प्रकार का है। अब आपको कुछ ये अजीबोगरीब जरूर लग रहा होगा, और आपकी ही तरह ऑब्जर्वेटर्स को भी ये गैलेक्सी कुछ अजीबोगरीब लगी थी। इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करने पर पता चलता है कि आज से करीब 1.2 बिलियन साल पहले ये दो स्पाइरल गैलेक्सीज हुआ करती थी, जिनका नाम था NGC 4038 और NGC 4039। और अब से 800 से 900 मिलियन ईयर्स पहले ये ग्रेविटी के कारण आपस में मिलने लगी थी, और इनके कोलाइडन से इनमें मौजूद स्टार्स को हाई इफेक्टिव वेव्स का सामना करना पड़ा था, जिनसे इनमें मौजूद कई स्टार तितर बितर हो गए थे, और जो स्टार्स इन गैलेक्सीज के मिड में थे वे इसके लास्ट पॉइंट में पहुंच गए थे। रिसर्चर्स ने देखा कि इस गैलेक्सी के बाहरी एरिया में हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से जल रही है, जिनसे इसमें नए स्टार का जन्म हो रहा है। ये ब्लू कलर का एरिया उन्हीं नए जन्मे स्टार्स को दर्शाता है। इस गैलेक्सी की खोज ईयर 1785 में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी, और इसकी बाकी की ऑब्जर्वेशंस का श्रेय हबल टेलीस्कोप और उसकी ऑपरेटर टीम को जाता है। फिलहाल एंटेने गैलेक्सी करीब 4 मिलियन ईयर्स बाद पूरे तरीके से मर्ज हो जाएगी और एक इलेप्टिकल गैलेक्सी में परिवर्तित हो जाएगी। मतलब हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा की सिचुएशन भी बिल्कुल सेम है, और मे बी हो सकता है कि हमारा स्टार किसी दूसरे स्टार से टकरा जाए, या फिर हम ब्रह्मांड के किसी ऐसे कोने में पहुंच जाए जहां जीवन संभव भी नहीं हो सकेगा। फिलहाल जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ये सब जब तक होगा उससे पहले ही हम लोग खत्म हो चुके होंगे। सो अगर वीडियो सही लगा हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल बटन को जरूर दबा देना। सो थैंक यू।